अच्छा मैंने बताया तीन चीज़ होती है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में होती है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, क्या बताया मैंने? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो कहलाएगी उसका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री है, जो सामने वाली साइड ये वाली साइड है, ये कहलाएगी साइड हाइपोटेन्यूज। अब रह गया बेस और परपेंडिकुलर। आपको कोई भी ट्राइंगल दिया जाएगा, कोई भी ट्राइंगल दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल अभी हमने कंसीडर किया है, कौन सा एंगल कंसीडर किया, ठीक है। जो एंगल कंसीडर करते हैं उसे आप चलते हैं। मैं जैसे ये इसका एंगल में शो हो रहा है, ये वाला एंगल कंसीडर किया है, कंसीडर समझते हैं ना, ये इस वक्त हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल तो मेंशन होगा कि ये एंगल तो पता चलेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अलावा अब ये दो एंगल हैं, एक ये एंगल बचा है, एक और एंगल भी बचा है। आप कौन सा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं? इस डायग्राम में क्या शायद शो हो रहा है, ये वाला एंगल कंसीडर हो रहा है। क्या हुआ हमजा, बैठ जाओ, देखा नहीं है? तो इधर आ जाओ, क्या नाम है उसका, उसको उसको सर जाओ, बच्चे को दूसरा कर लो। हाइपोटेन्यूज आपको समझ में आ गया, 90 के एंगल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। अब हो गया बेस और परपेंडिकुलर, ये कैसे पता चलेगा? जो आप देखो, अब परपेंडिकुलर का पहले बताओ, परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है? जो ट्राइंगल आपको दिया जाएगा उस ट्राइंगल आपका मेंशन होगा, जैसे यहाँ पर मेंशन हो रहा है ना, यहाँ पर इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, एंगल बी की बात हो नहीं हो रही, एंगल ए की बी बात हो रही है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है? ये वाली सामने साइड है, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, इसे जाहिर करेंगे पी से। समझ आ गई बात? ये जो एंगल आप कंसीडर कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसका सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी? बेस बन जाएगी। इस तरह परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, ये आपकी साइड हो गई बेस, ठीक है। इस तरह हम निकालते हैं कि कैसे पता चलता है परपेंडिकुलर, कैसे पता चलता है हाइपोटेन्यूज, कैसे पता चलता है बेस। परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म में पी, हाइपोटेन्यूज के शॉर्ट फॉर्म में एच, बेस के शॉर्ट फॉर्म में बी जाहिर करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है? साइडों की लेंथ का रेशो निकालते हैं, जैसे ए से लेकर बी तक की साइड और बी से लेकर सी तक की साइड का रेशो निकालें, बी सी डिवाइड बाई ए बी कर लें, बी सी डिवाइड बाई ए बी ये कर लें, या ए सी डिवाइड बाई बी, कोई भी तीनों साइडों में कोई भी दो साइडों का रेशो ले लें, तो वो कहलाता है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो है जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो 6 हैं। क्या क्या नाम है उनका? साइन थीटा कहते हैं सर, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, ये इनका पूरा पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइन थीटा, शॉर्ट फॉर्म में साइन ही बोलते हैं इसको। शॉर्ट फॉर्म ये कोसाइन है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा बोलते हैं। ये टेंजेंट थीटा है, शॉर्ट फॉर्म में टैन थीटा बोलते हैं, टैन थीटा, टी ए एन टैन, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया ना भाई, देखो बस। साइन थीटा को, ये उनकी फुल फॉर्म है, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी ओ एस कॉस थीटा बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में टैन थीटा बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉट थीटा बोलेंगे, इसके शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा, समझ रही है? जहाँ मैं अंडरलाइन यहाँ तक किया ना मैंने, ये वहाँ तक आपको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो टेन थीटा बोलूँ समझ जाना, टेंजेंट थीटा की बात हो रही है। अब टेन थीटा बराबर किसके होता है? अब आपको याद रखना है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाएगा तो आपको क्या याद रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है पर पी क्या होता है? परपेंडिकुलर एच का होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से बराबर होता है। कोसाइन थीटा या कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसाइन थीटा या कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
टेंजेंट थीटा या टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर बी परपेंडिकुलर है, बी बेस है। अच्छा ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये वही चीज़ें आपको समझ आ जाएगा। कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा बराबर होता है, अब अच्छा ये तीन तो बेसिक हो गए, साइन कॉस और टेन। कॉट क्या होता है? टेंजेंट का उल्टा होता है। तो टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। सेक थीटा ये होता है उल्टा किसका? कोसाइन का होता है। तो ये कोसाइन होता है आपका क्या? कॉस होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपन बेस। कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। ये आपको याद रखना है। साइन थीटा बराबर, ये क्या चीज़ याद रखनी है ये बता रहा हूँ, क्या चीज़ याद करनी है सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, यही आपको याद रखना है पूरी एक्सरसाइज में और आगे भी जाके फर्स्ट सेकंड सब जगह इस्तेमाल होगा। ये साइन थीटा किससे बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, पी पी का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। कॉस कोसाइन या कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा या टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। कोटेंजेंट थीटा या कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। सेक थीटा या सेकेंट थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपन बेस। और कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर। समझ आ गई बात? याद रखना। अच्छा मजीद क्या चीज़ है, अब देखो साइन थीटा और साइन और कोसेक में रिलेशन क्या होता है? ये लिखा हुआ साइन थीटा, ये लिखा हुआ कोसेक थीटा। ठीक है, ठीक है, कोसेक और साइन, साइन और कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। साइन थीटा होता है वन अपन कोसेक, या यूं तो कोसेक पर होता है वन अपन साइन, एक ही बात है उल्टा होता है। शेर याद कर रहे हो? तमाम सब्जेक्ट्स रहते हैं जो मैंने कल बताए थे, एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन याद करो, टेस्ट हो जाए। ठीक है, कौन सब्जेक्ट रहते हैं? ये साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है? साइन थीटा होता है वन अपन कोसेक थीटा के, या यू का कोसेक थीटा होता है वन अपन साइन थीटा के। लॉस हो गया। कॉस और सेक, कॉस क्या होता है? ये ना कोसाइन को कह रहे हैं कॉस। कॉस थीटा सेक थीटा के इनवर्स, कॉस थीटा होता है वन अपन सेक थीटा के, या सेक थीटा बराबर होता है वन अपन कॉस थीटा के। टेन थीटा या कॉट थीटा, टेंजेंट को टेन कहेंगे और कोटेंजेंट को कॉट कहेंगे। टेन थीटा होता है वन अपॉन कॉट थीटा के, या कॉट थीटा होता है वन अपॉन टेंजेंट थीटा के। ठीक है, याद बात समझ आ गई। अब हम इसको मैं सामने रखता हूँ खुला, अब अपनी बुक दें वहाँ से, मैं आपको एक्सरसाइज करना शुरू कराता हूँ, स्टार्ट कराता हूँ ताकि आप लोग बाकी घर से करें। नहीं इसमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, बुक दे देखें। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्या करना है, ये समझ में आता है ना? साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, और थीटा क्या है? एंगल है, ये वाला एंगल जो आप एंगल लिख थीटा लिखे ना, ये वाला एंगल आपने इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कंसीडर किया हुआ है, ये थीटा के लगे, और ये वाला एंगल कंसीडर करते तो वो थीटा, जो भी एंगल आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज कौन सी, 8.1 मैट्रिक की कौन सी बुक है? एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं।
अच्छा 8.1 में है, देखें बोल रहे शायद 8.1 में क्या बोल रहे हैं, फॉर द एडजस्टेड फिगर, ये को फिगर दी गई है, ठीक है। एडजस्टेड फिगर दी गई है, बच्चों को भेजो दोबारा खुलवा दो, बोला फॉर द एडजस्टेड फिगर, ठीक है। हम ये ले लेते हैं, स्टूडेंट तो स्टूडेंट वहाँ पर आना चाह रही है, अच्छा देखो बोला फॉर द एडजस्टेड फिगर, ये एडजस्टेड फिगर दी गई है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ये स्टेटमेंट अपन में ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अच्छा 8.1 में आपको दिया गया फोटोजिशन फिगर, ये फिगर बनाई हुई है, ठीक है। बोला स्टेट बताएं वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू द फॉल, ये लिखा हुआ है, अच्छा ये एक एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को क्या शो किया इन्होंने, अल्फा, और ये एक एंगल दिया, क्या एंगल है, ठीक है। अच्छा एंगल है कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन एंगल का जो कॉमन नेम है उसे क्या कहते हैं, उसे थीटा, वो इसका जारी करते हैं, इस तरह लिखते हैं, लेकिन एंगल का नाम कुछ भी लिखा, अल्फा बीटा ए बी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन असल नॉर्मल कॉमन जो एंगल को जाहिर करते हैं वो थीटा जाहिर करते हैं। बोला ये एक फिगर दी गई है, ये फिगर दी गई है ना आपको, तो बताओ कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, पता चल गया कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों तो पता चला 90 डिग्री, कहाँ पर है, सी पर 90 की एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बोला ये फिगर को देखते हो बताएं, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है फॉल्स को बताना है, देखिए अब ये देखिए मैंने लिखा हुआ साइन बीटा, ठीक है, लिखा हुआ साइन बीटा, यानी साइन के आगे जो एंगल लिखा हुआ वो कौन सा एंगल लिया हुआ है उन्होंने, ये वाला एंगल लिया हुआ, जबकि देखो यहाँ पर देखो कॉट अल्फा लिखा हुआ, कॉट का कौन सा एंगल लिया हुआ है, अल्फा लिया हुआ, अल्फा एंगल लिया हुआ, ये तो मर्जी अभी वाला एंगल लो, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। बोला ये बता, बोला कि ये बताएं कि ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है फॉल्स है, ये ट्रू है फॉल्स है, ये सब आपको बताने लिखी हुई ट्रू है या फॉल्स है बताएं। अब साइन बीटा लिखा हुआ है ए अपॉन सी के, ए क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी जो दी है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ सी बताई गई, ठीक है। ये डायग्राम जरूरी नहीं है आपको, एक डायग्राम जो भी अपनी मर्जी ने ये डायग्राम बना दी, इसमें इन्होंने ये ए वर्टेक्स है, ए पर एक एंगल है, एंगल ए पर जो एंगल है वो एंगल बीटा है, बी वर्टेक्स है, बी पर जो एंगल है वो एंगल अल्फा है, ठीक है, सी वर्टेक्स है, सी पर जो एंगल है एंगल 90 डिग्री है, अच्छा सी से बी तक की जो लेंथ है वो स्मॉल ए है, ए से बी तक की जो लेंथ है वो स्मॉल सी है, ऐसे सीधे की जो लेंथ है स्मॉल बी है, आपको ये बताना है क्या ये सही है या गलत है। लिखा हुआ साइन बीटा इक्वल है ए अपॉन सी के, साइन बीटा का मतलब क्या हुआ, साइन के आगे एंगल की बात हो रही है, जैसे लिखा हुआ साइन थीटा, पहले इस ट्रायंगल में देख के बताओ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज कौन कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, न्यूली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर,
ये कैसे पता है परपेंडिकुलर है? ये कैसे पता है परपेंडिकुलर है? ये एंगल के सामने वाला है। ये भी तो एंगल है, इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। नहीं तो हम ए वर्टेक्स के सामने वाला ये परपेंडिकुलर क्यों नहीं कह रहे? ये जगह इस ट्रायंगल में ये भी एंगल मेंशन किया हुआ, ये भी एंगल मेंशन किया है, दोनों मेंशन किया है ना। इस ट्रायंगल में एक ही एंगल मेंशन किया था सर, या तो दोनों एंगल मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर दो जगह दो। अगर आप बोलिए मैं इस वक्त इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। और अगर बोलो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने वाला ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। इसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों हैं, डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंगल को देख रहे हैं इस वक्त। इतनी बात समझ आ गई? आप पहला कर रहे हैं बोला साइन बीटा, तो कौन से एंगल की बात हो रही है? इस एंगल की बात हो रही है ना, साइन बीटा का मतलब इस एंगल की बात, इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, बीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं ना। जब बीटा एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो बेस ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास? अब इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल को कंसीडर किया है? बीटा। इस क्वेश्चन में कौन सा एंगल कंसीडर किया है? अल्फा। अलग अलग है ना, ये डिपेंड करेगा आप कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन वन के पार्ट वन में हम पार्ट वन में एंगल बीटा की बात कर रहे हैं, एंगल बीटा को कंसीडर कर रहे हैं। एंगल बीटा जब कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा? हाइपोटेन्यूस तो यही रहेगा क्योंकि 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। देखिए एंगल इस क्वेश्चन में एंगल बीटा की बात हो रही है ना, जब एंगल बीटा की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, अब साइन थीटा निकालना है, यानी साइन थीटा ये वाला एंगल निकालना है। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं लिखूंगा साइन बीटा बराबर किसके होता है? साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या तुम्हारे पास यहाँ से गिलन क्या है? ये अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ से गिलन क्या है? तो साइन बीटा ये पौन सी आ गया, ये पौन सी। इसका मतलब ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ये फिर दोगे समझ में आई बात? समझ में आई? अब मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है? ये बताइए ट्रू है फॉल्स है, आप बताए। आप लोग नहीं बोलेंगे, जिससे पूछूंगे मतलब ही बोलेंगे। बताइए ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल्स है। कैसे समझाएं मुझे कैसे फॉल्स है? सर ये फॉल्स है और ये बीटा है, ये बीटा और ये बी B और ये स्मॉल बी है, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल सी है, कैपिटल सी, फर्क है दोनों में? नहीं आपको समझ नहीं आया, आप आ जाए। कॉस बीटा ये वाला है, कॉस बीटा के सामने ए और सी का हम हाइपर ये लेंगे मेजरमेंट, तो ए और सी हो जाएगा। ए और सी क्यों लेंगे? कॉस थीटा में तो बी और सी आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस यहाँ कॉस अल्फा के सामने वाली बेस है और कॉस, अभी हम कॉस बीटा को कंसीडर कर रहे हैं ना, कॉस बीटा जब कंसीडर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा? बेस। तो कॉस बीटा इक्वल टू कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या आपके पास? बी। हाइपोटेन्यूस क्या आपके पास? सी। बी अपॉन सी, सही तो लिखता है, मतलब ये समझ आ गई बात? ये हो जाए आपको, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी, ये क्या हो गया? तो देखो कॉस बीटा निकालना है ना, अब आपको समझा रहा हूँ। कॉस बीटा होता है, हमें कॉस बीटा यानी आप जब कॉस बीटा बोल रही हो तो आप इसी एंगल को देखो, अब इसको भूल जाओ, ये एंगल ही नहीं है। अब कॉस बीटा आपको निकालना तो कॉस बीटा का फार्मूला देखो, ये रहा कॉस बीटा। कॉस बीटा यानी कोई भी एंगल कॉस बीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस बीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। आपने कॉस बीटा को कंसीडर करो, बीटा बीटा कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। तो बीटा के हिसाब से
जब आपने बीटा को कंसीडर कर लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। एक और बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आपका बेस क्या है ये है ना बेस बी, हाइपोटेन्यूज क्या है सी, तो कॉस बीटा इक्वल टू बी अपॉन सी सही है। समझ आई बात? अब आप बताएं तीसरा है तो क्या होगा, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। बताएं कैसे? इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये वाला एंगल जो है ये परपेंडिकुलर है स्मॉल है और ये बेस, तो ये ए अपॉन बी होना चाहिए था, बी अपॉन ए दिया। क्या होना चाहिए था? ए अपॉन बी, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो आपका ये ए है, परपेंडिकुलर बेस आपका है बी, तो ए अपॉन बी हो जाएगी, ये लिखा हुआ है बी अपॉन सी, तो यह क्या है फॉल्स। ठीक है, समझ आ रही बात ये? अब आप बताएं ठीक है। कॉर्ड का बल्कि आप ये वाला बताएं, नहीं हाँ बल्कि अच्छा अब मैं ये बता दूँ, देखो टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर, देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बन जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, लिखा हुआ है कोसेक, ये साइन का उल्टा होता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये लिखा हुआ है कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का उल्टा होता है सेक, सही लिखा हुआ है ये ना सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है आपको टेन, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये ना कॉट, टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बात समझ में आ गई? अब बताइए बताएं ट्रू है फॉल्स है? सही है फॉल्स है। इतनी जल्दी कैसे बता दिया, सोच के बताया मैंने, अरे आप रुके आप बताएं पहले, ये फॉल्स है ट्रू है? कैसे बताएं ट्रू कहते हैं सर? कॉस का कॉस, ये कॉस नहीं है कॉट है, कॉट टेंजेंट इक्वल होता है बेस अपॉन, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, और कॉट अल्फा इक्वल है बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। अभी अल्फा एंगल की बात हो रही है, अल्फा एंगल, जब एंगल या एंगल की बात हुई तो ये इसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा और ये बेस बन जाएगी। जब बीटा एंगल की बात हो रही थी तो ये परपेंडिकुलर था ये बेस था, अल्फा एंगल की बात हो रही है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ये बन जाएगा बेस। आप बताएं, आप बताएं इसका आंसर। सर ट्रू कैसे बताएं ट्रू कैसे? इसके सामने वाला वो खिलाएगा परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाला खिलाएगा बेस, सही है, तो बी अपॉन ए इसके अंदर दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला कॉट, कॉट किसका वो उल्टा होता है टेंजेंट का, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस ये है परपेंडिकुलर है तो ए अपॉन बी हो जाएगा, ट्रू है ये? यस सर। कॉट क्या होता है, देखो कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल कौन सा दिया है अल्फा, एंगल अल्फा की बात करेंगे, अल्फा जब एंगल ले लिया यानी आप इसमें कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हैं अल्फा एंगल, तो अल्फा एंगल कंसीडर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ये हमारा बेस हो गया, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका क्या है ये है आपका बेस और अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आपका ये यानी ए अपॉन बी होना चाहिए, ए अपॉन बी, समझ आई?
ये बात है। अब आप बताएंगे ये क्या है। लिखा हुआ है सेक सेक अल्फा सेक का है, ये साइन है या कॉस है या टेन है, ये आपका सेक अपॉन बेस।